आए जी अली साहब। अली साहब हमारे साथ हैं जी, बड़े दबंग दलेर अफसर हैं, एक अहद इनसे लड़ रहे हैं। क्या हाल है सर आपके? सलाम अलैकुम। तबीयत ठीक है आपकी? जी ठीक ठाक। सर लेफ्ट लेन में सफर करें। जी ठीक है जी, है ना जी बिल्कुल। आप पहले भी मुझे लग रहा है कि लेफ्ट लेन में करते हैं आप, ज्यादा शरारती मुझे लग नहीं रहे। ऐसे ही ऐसे ही, वन व्हीलर भी नहीं लग रहे आप, बहुत अच्छे डिसेंट से हैं। ऐसे ही है जी बिल्कुल है। आप लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट हैं? ज्यादातर लेफ्ट में चलते हैं। आप बहुत कच्चे दिन ही चाल लेना लेफ्ट। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो ये यहाँ की जी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? तो लेफ्ट पे ही चलाते होंगे आप गाड़ी, मेरा ख्याल। जी सर। और ये मिरर मुरर नहीं रवाज है? नो सर। कैसे पीछे देख लेते हैं जी सर? अच्छे से तरीके से अपनी साइड देख के फिर चलाते हैं हम। इतने जादूगर आप हैं? नहीं सर, जादूगर तो नहीं है, लेकिन हम अपनी तैयार से अपनी लाइन पे रख के चलाते हैं। नहीं सुने, वो आप पीछे देखने के लिए मिरर एक होता है, जिस साइंसदान ने ये याद किया है ना, उसने साथ शीशा भी याद किया है पीछे देखने के लिए, हैं, ताकि आपको हालात का पीछे से पता चले कि आपके बैग पे क्या चल रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे ही है जी बिल्कुल। तो और लेफ्ट लेन में चलाएंगे? जी सर। लेफ्ट में चलाएंगे, क्या फायदा आपका? जी सर नीचे रख के हम चलाएंगे, हम अगर ऊपर वाली लाइन में चलाएंगे, ऊपर वाली लाइन में गाड़ियां स्पीड से गुजरती हैं, नीचे वाली लाइन में स्लो से इंसान इजीली चला जा सकता है। अब ये नीलामगर होता तो तुम्हें इलेक्ट्रा देते। थैंक यू सो मच आपका। क्या हाल है जी? आए जी हजरत साहब, अस्सलाम वालेकुम। सेहत कैसी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मजा ठीक बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोस्ट लेफ्ट पे चलाते हैं गाड़ी आप? जी मैं मोस्ट लेफ्ट पे चलाता हूँ। कितनी स्पीड पे चलाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 35-40। ये तो बहुत अच्छा है। तो आपने देखा कि आपके साथ जितने कोलीग बाइकर्स हैं जी, वो तो राइट पे चलाते हैं, मोस्ट राइट पे, फर्स्ट लेन सेकंड लेन, वो स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो आप एक्सीडेंट नहीं होगा, आप कंट्रोल कर सकेंगे अगर आहिस्ता जा रहे हैं। तेजी में मेंटल आउट हो जाता है बंदे का और रुकना मसला बनता है, और पीछे से गाड़ी भी टकराती है। बिल्कुल, आप जिस लेन में है यहाँ गाड़ियाँ नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती है। और इधर मिरर मुरर भी आप थोड़ा अगर लगा लें तो थोड़ा आपको बैक, फिर कैसे पता चलता है कि कोई पीछे आ नहीं रहा, कोई हिट तो नहीं आपको करने वाला? ये मुझे मशवरा पसंद आया, क्योंकि टर्न करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो वो ठीक है। अच्छा वो आप बैक पे कैसे देखें? अब मुश्किल है वो, देखने में मुश्किल है सच, नामुमकिन हो जाएगा वो। नामुमकिन होगा वो, 100-150 का वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आए जी अली साहब, बहुत सारे इधर रंग बिरंगे खूबसूरत लोग, अच्छी अच्छी जैकेट्स पहने भी हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है आपके? मोस्ट लेफ्ट पे ही आप चलाते होंगे एक बाइक? एग्जैक्टली। क्या फ़ायदा है मोस्ट लेफ्ट पे चलाने का? सर एक तो मोस्ट लेफ्ट मेरी लेन बनती ही है, क्योंकि ऊपर बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनकी स्पीड कुछ और होती है, मेरी लेन ही है, मुझे मेरा राइट ही है कि मैं इसी तरफ रहूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे अली साहब? जी बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, मैंने कहा इंतहा मशहूर हूँ और ये चलाते हैं, और ये मेरी इनसे दरख्वास्त है कि ये औरों को भी बताएं कि प्लीज़ इंतहाई लेफ्ट पे चलें, इसमें सेफ्टी है, इसमें हमारी बचत है और हम फैटल एक्सीडेंट से बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया, इन्होंने मिरर भी दोनों लगाए हुए हैं ताकि ये पीछे देख सके कि पीछे क्या चल रहा है। वही आप वाली बात, इलेक्ट्रा नहीं है वरना हम जरूर इनको दे देते। बहुत आला जी, ये यहाँ की सूरत हाल है। और इस शाम में जब लोग घरों में बैठ कर बड़े मज़े से चाय पी रहे होंगे, आपको बता रहे हैं कि केनाल रोड पे इस वक्त सर्दी है हल्की हल्की, और काफ़ी सर्दी है ना जी, मुझे ये बताएं कि लेफ्ट पे चलाते हैं मोस्ट? बिल्कुल जी। हाँ देखें, कोई भी लर्नड आदमी हमेशा बाइसिकल मोटर बाइक लेफ्ट पे ही चलाएगा, बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक, और आपने देखा होगा ज़्यादातर एक्सीडेंट्स की वजह ये होती है। तो ये आप मिरर भी लगवा लें? सर मैंने मिरर बिल्कुल लगाए हुए थे, मैं दोबारा इंशाल्लाह लगा लेता हूँ। उतार जाते हैं कोई? वो नहीं, असल में वो मिरर्स हैं ज़रा बड़े बड़े, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह का मिरर कोई आए जो अच्छा भी लगे और आपका पर्पज़ भी सर्व करे। अच्छा ना लगवाइएगा है मिरर। थैंक यू वेरी वेरी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ये जी आए सर अली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? तो लेफ्ट पे चलाते हैं मोस्ट आप गाड़ी मोस्टली? स्ट्रेट चलाते हैं, है ना? बिल्कुल लेफ्ट पे चलाएंगे तो आपको फ़ायदा इसका, है ना? पीछे से हैवी जो गाड़ियां हैं वो भी आपसे वो भी नहीं होती। और आपकी स्पीड कितने पे चलाते हैं मोस्टली? 40 से 50। हाँ 40-30 है ना? हाँ जी जी, ये भी ठीक है। लेकिन आपने देखा है वो बाइकर्स आप भी जो गुजर रहे हैं वो सारे राइट पे चला रहे हैं, ये वो सिंगल फ्री होगा, लोग बहुत तेज़ जाते हैं, अपने आप खुद बचाना पड़ता है, स्पीड से जाते। हाँ जी, लोग थोड़ी स्पीड थोड़ा नॉर्मल रखें, डिसिप्लिन थोड़ा आ जाए तो ये बचत हो जाए, हादसा होने बंद हो जाए। बिल्कुल सही कहा, हादसा तकदीर नहीं है, बिल्कुल सही कहा, नेग्लिजेंस है। बिल्कुल ठीक कहा गया, ऐसा ही है ना, 100% ठीक कहा गया, आपकी कुताही है, तकदीर थोड़ी है। बिल्कुल सही कहा, क्यों जी? डेफिनेट ये हमारी नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से हादसात होते हैं, अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें तो हम बच सकते हैं किसी भी फैटल किसी भी। एहतियात जो है वो
इलाज से बेहतर है। छोटी छोटी चीजों में रखी हुई है, बैक मिरर में, कम स्पीड में, लेफ्ट लेन में चलने में, फ्रीक्वेंट लेन चेंज करने में, ये हमारी बचत है। आप ये अलमिया देखेंगे, बाइकर्स भी मोबाइल फोन यूज करते जा रहे होते हैं, गाड़ियों को तो आप क्या कहें। ये तो जो बाइकर सरफराज साहब ऐसे, ये बात आगाही जो है वो आज से नहीं शुरू, पिछले एक साल से आगाही वॉक जो है वो शुरू है, लेकिन उसके बावजूद भी अमल दरामद नहीं हो। आमिर साहब क्या बता रहे हैं आप? जी मैं इनको बता रहा हूँ कि मोटरसाइकिल जो है वो इंतहाई बाई लेन में चलाएं, ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है बेहतर रहे और आपके लिए भी आसानी हो। क्या सर, ठीक है ना? ठीक है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट सर, राइट। तो इसका मिरर मुरर भी सर कोई लगा लें, बैक मिरर, ताकि वो बैक पे आप कैसे देखेंगे? देखें आप कितने खूबसूरत इस वक्त लग रहे हैं, आपने पूरा हेलमेट पहना है, साथ वो आपने मफलर लिया हुआ है, ग्लासेस भी लगाए हैं, सारा सारा सिक्योर है, लेकिन अभी आप गर्दन मोड़ेंगे पीछे देखेंगे तो फिर लेन चेंज करेंगे, वो कैसे कर पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा। जी जी, है ना जी। आप अपना इधर बैक मिरर भी लगा। प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा, तो अटकते हैं शीशे ना चलाने से, लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिए बड़े ज़रूरी। हाँ ये तो है, ये तो। आप अदरवाइज लेन चेंज करते हुए कैसे, लेन चेंज करते हुए मिरर के बगैर कैसे चेंज हो जाती है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जादू से ही हो सकती है। ऐसे ही हादसात होते हैं कि जब जो मूवमेंट नहीं होती तो फिर हादसा का सबब बनता है। कैसे कह रही थी, से ठीक है आपकी? जी हाँ। तो गाड़ी चलाते, बाइक चलाते आप मोस्ट लेफ्ट पे चलाएं, मोस्ट लेफ्ट पे, तड़ा जड़ा बिल्कुल खब्बा है। हाँ, वही चलाते हैं हम, उधर ही चलाना है। जी हाँ। उससे आपको क्या फायदा होगा पता है ना इसका? जी हाँ, हम अपने आप को सेफ करेंगे, सेफ, और पीछे से गाड़ियाँ भी नहीं होंगी उस लेन में, जिस लेन में आप हैं आपको गाड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं होंगी, और भी गाड़ियाँ होंगी जब हम चलाएंगे। नहीं, फर्स्ट लेन में गाड़ियाँ हैं, दूसरी में भी लेन में है, थर्ड में, फोर्थ में जब आप आ जाएंगे मोस्ट लेफ्ट पे, तो यहाँ इक्का दुक्का गाड़ी बहुत कम आती, गाड़ी इधर आती नहीं है। जब हम अंडर पास में जाएंगे तो फिर वहाँ तो आएगी, वहाँ तो लाजमी। हाँ, तो फिर ये है कि हम जब लेफ्ट पे होंगे तो दूसरे भी तो लेफ्ट पे होंगे ना, तो इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट पे फिर भी आपका फायदा रहेगा। बिल्कुल, है ना। इसका कोई मिरर भी लगवा लें आप, ताकि पता चले कि आपने लेन चेंज करनी है। देखिए मिरर भी लगवाया था, ये इंडिकेटर भी जब बाइक खड़ी करते हैं ना, उतार के ले जाते हैं, नहीं तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। हाँ, ये लेके जाएंगे, तोड़। मिरर नहीं है जी मोस्टली लोगों के, मिरर होने चाहिए। देखा जी, हमने तो सीडीओ साहब ने आपको पता है कि आपने खुद देखा है, उन्होंने बांटे भी दिए भी, तकसीब किया बहुत सारे मिरर हैं, और हम इसे बड़े सस्ती सी है, और इससे जो है वो जान बच जाती है, 100-150 से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हम तो इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं शहरियों से बार बार, प्लीज अपनी हिफाजत करें। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। खैरियत सेहत कैसी आपकी? जबरदस्त शुक्र है अल्लाह का। तो गाड़ी आप बाइक चलाते मोस्ट लेफ्ट पे ही चलाएं, बिल्कुल बेहतर भी यही है। उससे क्या फायदा होगा? हेड इंजरी का इशू नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट पे है वहाँ पे कार व्हीकल जो है वो नहीं चलती, ये है ही बेसिकली बाइक के लिए। ये जब ऊपर जाएंगे, एक बस आ रही है, कार आ रही है, तो कोई ओवर स्पीड पे है, एक स्पीड की लिमिट है, एक 60 पे है, एक 80 पे है, एक 40 पे है, 20 पे है, जब आप ओवर लाइन पे जाएंगे तो वो फिर नुकसान ही होगा ना। अब शेर का शिकार करने जाएं और बकरी का सामान हो तो नुकसान ही है, ठीक है। ये हमारा लाइन ही ये है, मिरर भी लगा हुआ था, ये तो मिस्त्री ने तोड़ दिया है, हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गिरा भी हुआ मैं, ये देखिए हेलमेट को इंजरीज आई हैं, मैं खुद, और मैं वैसे भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, अभी पेपर दे के आ रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीकाकार जो है वो इस होना चाहिए बंदे का, इसमें ये तो नहीं बंदा कहता कि एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन कम से कम इन चीज़ों को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, और हादसा ही सबसे बेहतर। हादसा तकदीर नहीं है, नेग्लिजेंस है, बिल्कुल गफलत, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। गफलत ना भी हो, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कोई नहीं है, एक्सीडेंट क्या है, अल्लाह की तरफ से कुछ भी हो सकता है, गाड़ी इधर की उधर। हम सिर्फ उस केस की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, जिसमें आपकी गफलत शामिल होती है। हाँ, गफलत में बाकी सारी बातें आपकी ठीक है, बाकी बहुत शुक्रिया आपको, सलामत रहे। हजरत साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो गाड़ी आप मोस्ट लेफ्ट पे ही चलाते हैं? बाइक का रूल है ये, जरूरी है। हाँ जी, मोटरसाइकिल के लिए जरूरी है। और आपने अच्छा है ये दोनों मिरर्स भी लगाए हैं। मैं शुरू से लगाता हूँ। लेन चेंज करने के लिए मिरर्स का कितना फायदा? मैं जब से मैंने बाइक ली है ना, मतलब मैं चलाता हूँ, मैं मेरी हैबिट है। कितने साल हो गए बाइक चलाते हुए? तकरीबन मुझे, मैं 2004 या 2005 से चला रहा हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके सामने, जी आप कुछ कहने लगे? मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ली है बाइक, मैंने अपनी चलाई है। हाँ जी, इलेक्ट्रा है कोई? बिल्कुल इलेक्ट्रा इनका बनता है, ये गलती होगी, इलेक्ट्रा साथ लड़ा चाहिए था अभी। मेरा ख्याल एक के इलेक्ट्रा ही लाएगी और तकसीम करके दें दे रहा हूँ। बात कर लेना, तो हमारे लिए ये भी अप्रिसिएशन है, अगर ये पोलाइटली, मतलब ये बहुत बड़ी बात की है इन्होंने, कि अगर ये पोलाइटली बात कर लें वार्डन,
शहरियों के साथ, ये भी इनके लिए इनाम है। लेकिन शहरी भी कुछ बदतमीजी करते हैं वार्डन्स के साथ, इस वजह से उनको ये बिहेवियर रखना पड़ता है। हमें पता चलता है कि क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड पर्सन का, मैं आपको मतलब भूड नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ये चेंज करना है, आप कर लें या मैं कर लूं। मैं जी बिल्कुल इनकी बात को बढ़ाऊंगा कि हम ट्रेंड है, हमें इस बात की ट्रेनिंग दी गई है। बेशक हमारा एक शहरी हमसे कदरे कुछ थोड़ी सी तलख लहजे में बात करता है, मेरा काम है कि मैं उसको समझाऊं, उसको ब्रीफ करूं, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग दी गई है इस बात की। नहीं, वो कर ही नहीं सकता। आपके जब वो ये देखते हैं ना, ये तीन भूल देखते हैं ना, तो वो इसे मतलब आगे बात नहीं कर सकता। अगर मुझे साहब ये बात मान गए हैं कि अगर शहरी जो है वो मिसबिहेव करता है तो इनको बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन आम वार्डन नहीं मानता, आम पुलिस अहलकार नहीं मानता, आम पुलिस ऑफिसर नहीं मानता इस बात। नहीं, ये मैं सॉरी टू से, आप क्वालिफाइड पर्सन है, ठीक है, मैं फिर भी आपको मतलब वो ऊपर रख के बात करता हूँ कि हमारा जो मतलब वो है ना कि क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड बंदे के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करना है, वो आप हों या मैं हूँ या आप हों, इससे हमें नहीं है। हमें तो एक अच्छा इंप्रेशन लेना है कि कोई आपसे मतलब जस्ट हेलो कह दे, सलाम कह दे, हम इतने में खुश हो जाते हैं। हमें ये नहीं है, जैसे ही कोई पुलिस वाला हाथ देता है ना, तो पहले एकदम से मतलब हमारे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंट करेंगे और इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि हम आपके लिए खड़े हैं और आपकी मोहब्बत हमें हासिल होनी चाहिए और आपको मोहब्बत देंगे हम। इसका आपकी सिक्योरिटी का एडवांटेज पब्लिक को है, मुझे है, आपको है, ये जो खौफ है ना, हमने सिर्फ सिक्योरिटी देनी नहीं है, हमने सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करनी है। ये हमारा इशू है कि हमने आपके अंदर हमें देखकर सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई, मतलब हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम एक जेंटल पर्सन से बात कर रहे हैं। मतलब जब जैसे कि पुलिस वाले से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे एकदम यार पता नहीं की कर लेगा। आस्ता आस्ता इस तरह बढ़ रहे हैं और हम साहब हर आने वाले नए CTO ने, हर आने वाले नए CCPO ने अफसरान की, अहलकारों की, वार्डन्स की बिहेवियर को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, क्लासेस का बहुत शुक्रिया आपका, आपका थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, सेहत कैसी, तगड़े हैं? तो मोस्ट लेफ्ट में गाड़ी चलाते हैं ना सर? मैं लेफ्ट पे, हाँ हाँ लेफ्ट पे हूँ। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहे, वैसे ही कह रहे हैं कि सबको पता चले कि ये लेफ्ट पे रखे हैं, ताकि बाइकर जो हैं हमारे, वो शाहीन जो बाइक की सवारी रोज यूज करते हैं, वो बचे रहें, उनकी सेहत ठीक रहे, तंदुरुस्त रहें, महफूज रहें। हाँ जी, इंशाल्लाह ये तो होना चाहिए, हमारी सेफ सिटी के लिए सारा कुछ किया है इन्होंने, तो ये होना भी चाहिए। देखें, हमने ग्लव्स भी हैं, सारा हेलमेट भी यूज़ कर रहे हैं, शीशा भी लगाया, शीशा भी लगाया हुआ है, किसी ने तोड़ दिया, एक लगाया है, अद्धा इलेक्ट्रा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ा गुड, बड़ी अच्छी। अब इनका इनाम क्या बनता है DSP साहब, आप बता। हम तो जिनको सलूट करते हैं, बहुत आला, बहुत आला जी। अली साहब बड़े इखलाक वाले अफसर हैं जी, क्या हाल है अजर साहब? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हैं आप? हाँ जी। बाइक आप लेफ्ट पे ही चलाते हैं ना? हाँ ज़्यादा चलते, लेकिन जब वो इशारे पे आते हैं ना, जब राइट पे में जो इशारा जो आता है, जैसे वो अंडर पास आता है, तो फिर हम राइट पे हो जाते हैं। वैसे उधर ये आपने कोई इधर, हाँ ये मैंने, मेरी गलती है, ये मैं मानता हूँ, ये कानूनी तौर पर मैंने गलत कर रहा हूँ, लेकिन इसकी मैं अभी लगाऊंगा शीशे इंशाल्लाह। स्पीड कितनी पे चलाते हैं? 60, 50, 60 या 70 पे चलाता हूँ ज़्यादातर। एमडी थोड़ी ज्यादा नहीं हो जाती स्पीड? लेकिन जब वो इशारे पे आता हूँ या उस पर जहाँ देखो जगह है मेरे पास राइट है, तो फिर मैं चलाता हूँ। वैसे अदरवाइज 60 या 50, 60 पे जा चलता हूँ। लेफ्ट पे? हाँ लेफ्ट पे जाता हूँ। लेफ्ट पे आप 70 पे? उस वक्त होता हूँ जब इंटर पास आते हैं, तो फिर मजबूरी बन जाती, फिर हमें मजबूरी है। हाँ मजबूरी है। आप क्या कह रहे हैं? ये 125 है, 50-60 में ये चलता नहीं है, वैसे सच्ची बात है, 60 से 60 नहीं चलता ये 50। मैं कह रहे हैं 70 पे भी चला जाता हूँ। अच्छा मैं पहले बात की। अच्छा अच्छा 70 पे भी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ये बात मानी कि मेरे शीशे नहीं, ये गलती आपने मानी, लेकिन इसको लगाएं, ये आपका फायदा है। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह, क्या करते हैं सर आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो लेफ्ट पे चलाते हैं बाइक ज्यादातर जी, राइट पे तो नहीं आते ना? मसलन ज्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं होती कि मसलन स्लोली जाना है। इधर कोई आप मिरर वगैरह भी लगा ले? नहीं मैं लगवा लेता हूँ, पता नहीं था कि अभी जो है इनकी कंपेन जो है वो नहीं, वो पता है, होने की जरूरत भी नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि आपको हेलमेट में तो वो लाजमी है, नहीं वो जरूरी है ना कि आपको मिरर का वैसे ही सेंस हो कि भाई लेन चेंज करनी है। कैसे? साइड व्यू क्लियर रहता है, उससे बंदे को आसानी होती है मुड़ने में, और इंडिकेटर तो इंडिकेटर का इनको ज्यादा ये भी बता रहे हैं कि इंडिकेटर जो है वो मुड़ने से कितनी देर पहले लगाना चाहिए। तो उसमें ये है कि कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, उसमें ये है कि 4 या 5 दफ़ा जो आपका इंडिकेटर है वो ब्लिंक हो, ताकि जो पीछे वाली गाड़ी है उसको अंदाज़ा हो जाए कि ये बंदा टर्न कर रहा है। ये मैं नहीं पता, हम मुड़ के फौरी इंडिकेटर लगाते हैं, फौरी टर्न कर जाते हैं। इंडिकेटर एक पैगाम है जी, बेसिकली मैसेज है, ताकि जो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं वो आपको पता उनको कि आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं या राइट टर्न कर रहे हैं। तो इसमें
हाल है आपके? अस्सलामुअलैकुम। सेहत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप वीक हो गए हैं, खाते पीते कुछ नहीं है मुझे लग रहा है। खाते पीते हैं माशाल्लाह, सेहतमंद नहीं मुझे लग रहा है, आप कम खाना खाते हैं। तो तब्दीली आई है इंशाल्लाह, तो सेहतमंद और हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, तो लेफ्ट पे चलाते हैं ज्यादा गाड़ी? ये क्योंकि ये देखे ना, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन जो ये हमारी नहीं है, हमारी ये फोर्थ लाइन है। अगर यहाँ पर प्रॉपर चार लाइनें हैं तो जैसे कि है, तो ये फोर्थ लाइन हमारी है। इससे हमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि हम हादसे से बच जाएंगे, ट्रैफिक कानून की पासदारी होगी और अपनी जान भी बचेगी और पीछे से आने वाले भी जाते। ये मिरर भी आप लगा लेते अगर? ये मिरर इसमें दिया हुआ था, कंपनी की तरफ से मिला हुआ, होंडा की तरफ से मिला हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आप इसको भी लगाते हैं, इसमें और ज़्यादा फ़ायदा हमें कि पीछे से आने वाले की सिमर पता चल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? ठीक है। तो लेफ्ट पे ही चलाते हैं गाड़ी ज़्यादातर आप, फोर्थ लेन में? बल्कि लेफ्ट पे ज़्यादा जिप स्पेस मिलती है, अगर आप राइट पे जाते हैं ना स्पेस कम, लोगों ने आदत बना ली है वो राइट पे नहीं कर रहे हैं, जबकि लेफ्ट के ऊपर बड़ी स्पेस होती है। अभी भी 90% लोग राइट पे चला रहे हैं, राइट पे चला रहे हैं, ये बड़ी गलत है। और अगर वो इधर आते हैं ना तो जल्दी घर पहुंच जाते हैं जी। ये ज़रूरी बात है। और ये मिरर भी आप लगा लें लेन चेंज करने के लिए, बैक व्यू सही आए ना? हाँ ये सही है ना, ये बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज तो कैसे आप गर्दन को थोड़ा सा लेफ्ट मोड़ के, ये भी इंशाल्लाह होना चाहिए, इंशाल्लाह ये भी कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस? सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो लेफ्ट पे चलाते हैं ज़्यादा गाड़ी आप? हाँ लेफ्ट पे ही रखते हैं। ये कितना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी कि ऊपर बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो बेहतर है कि बंदा एक साइड पे चलता रहे। और आप बाइक्स का तो रूल ही है कि फोर्थ लेन में उनको सफ़र करना चाहिए, है ना, फॉलो करना चाहिए। अच्छा साथ मिरर भी लगा लें थोड़ा बहुत, जी जरूर, बैक व्यू अच्छा नज़र आए। इतने हसीन है आप, तो बैक व्यू अच्छा होता है वो भी देख लें। ठीक है, लगा लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये यहाँ की जी सूरत हाल है, और इस सारी सूरत हाल में लोगों को चाहिए फोर्थ लेन में सफ़र करें। फोर्थ लेन में सफ़र करने से उनको जो है वो ना सिर्फ इस बात की जमानत मिलेगी कि कोई बड़ी गाड़ी उनसे नहीं टकरा सकती, और दूसरा सबसे बढ़कर फोर्थ लेन में चलने से बहुत सारे हादसात से वो महफूज रह जाएंगे। बाइकर के लिए फोर्थ लेन का होना बड़ा ज़रूरी है, बाइकर अगर फोर्थ लेन में नहीं चलाएगा तो वो हिट होगा पीछे से आती गाड़ी के साथ जो 100-125 पे आ रही है। तो इस वजह से ये हालात जो हैं वो आपके सामने है।